वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे। देन गाइज, आज के वीडियो में बात करेंगे Realme 7 Pro के न्यू अपडेट A.19 के बारे में, एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ये अपडेट एट लास्ट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा आपके डिवाइस में, एंड Realme UI 2.0 विथ एंड्राइड 11 का सपोर्ट कब से प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा फॉर Realme 7 Pro यूजर्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्राइड सपोर्ट, एंड आज की वीडियो में आपकी पूरी मदद की जाएगी। देन फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल Realme 7 Pro के डिवाइस में एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है Realme की तरफ से, जिस अपडेट का वर्जन है A.19, एंड इस अपडेट का मैनुअल साइज है 3.79 GB के आसपास में। एंड वहीं पे बात करें इस अपडेट के OTA अपडेट की साइज के बारे में, तो भाई इस अपडेट की OTA अपडेट साइज है 230 MB की, मतलब 230 MB के साथ A.19 का अपडेट Realme 7 Pro के डिवाइस में प्रोवाइड किया जा रहा है Realme की तरफ से। एंड वहीं पे बात करें इस अपडेट के फीचर के बारे में, चेंज लॉक के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्टिमाइज द कलर इफेक्ट ऑफ फोटो टेकन विद द रियर कैमरा, मतलब पीछे वाले कैमरा पे जब आपने फोन में कोई भी फोटो को कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम या फिर उसके कलर में कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको चेंज या फिर उसमें बदलाव थोड़ा सा किया गया। एंड वहीं पे बात करें अगले फीचर के बारे में, तो अगला फीचर है फिक्स द कलर शिफ्ट इशू ऑफ द फ्रंट कैमरा, मतलब फ्रंट कैमरा में भी कलर इफेक्ट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो भाई उसको भी फिक्स कर दिया गया है Realme की तरफ से। वहीं पे बात करें अगले फीचर के बारे में, तो अगला फीचर है फिक्स द सम नोन बग्स इशू, वही पुराना घाचा पाचा, मतलब आपके डिवाइस में जो भी बग्स वगैरह देखने को मिल रहे थे वो सभी बग्स को फिक्स कर दिए जाएंगे इफी A.19 के अपडेट के बाद, मतलब इस फोन को अपडेट करने के बाद आपका फोन पहले से ज्यादा और सिक्योर हो जाएगा, एंड कैमरा के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो सभी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे, एंड आपका फोन और भी ज्यादा स्मूथ चलेगा पहले की अपेक्षा। एंड वहीं पर बात करें भाई Realme UI 2.0 अपडेट रिलेटेड फॉर Realme 7 Pro यूजर्स के लिए क्या अभी तक खबर है, तो भाई मैं आपको बता दूं इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट एंड ट्रायल वर्जन में आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा जहां पे आपको यहां पे Realme UI 2.0 एंड Android 11 शो होगा, एंड वहां पे आपको फिलअप करना होगा एक फॉर्म जहां पे आपको डालना है अपना फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी। फोन नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करके आपने फोन में Realme UI 2.0 का बीटा अपडेट पा सकते हैं, एंड ये अपडेट आपके डिवाइस में रोल आउट होगा अप्रॉक्स 25th नवंबर के आसपास में, मतलब 25 तारीख के आसपास में आपके डिवाइस के लिए बीटा वर्जन अवेलेबल हो जाएगा फॉर Realme 7 Pro यूजर विथ एंड्रॉइड 11 अपडेट। तो भाई यहाँ पे ये अपडेट अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पे आपने फोन में एंड्रॉइड 11 की बीटा टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड उसके बाद ये अपडेट आपको स्टेबल अपडेट आपको दिसंबर के मंथ में प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑल यूजर्स को ये अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड फर्स्ट टाइम इसकी फीटें होंगी अप्रॉक्स 500 या फिर 1000 मैक्सिमम, मतलब 1000 1K फीटें मैक्सिमम हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट में यहाँ पे 500 या फिर 1000 फीटें आएंगी विथ एंड्रॉइड 11 फॉर Realme 7 Pro यूजर्स। इतना बात आप ध्यान में रख करके चलें, मतलब आपके डिवाइस में A.19 के बाद एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एंड्रॉइड 11 का होगा, इसके बाद डायरेक्ट एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलेगा जो कि बीटा अपडेट होगा, तो आप अगर बीटा टेस्टिंग करने में ठीक समझते हैं तो अपने फोन में बीटा टेस्टिंग कर सकते हैं एंड्रॉइड 11 की। सो फ्रेंड दैट फिट एंड यार बहुत सारा थैंक, वीडियो चली वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।